एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट। यस सर, एक आधा सवाल ले लेना हमारा बस। ओके भाई, जो सवाल पूछूंगा उसका। चलो तो मेरे से कल से लॉकडाउन रहेगा ये। अपन जब लॉकडाउन का निर्णय लिया होता, हमने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया था उसके बारे में दिन भर अनेक लोगों से हमारी चर्चा हो गई। यहाँ पे जो जो डिस्कशन हो गया, उस डिस्कशन के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी। गवर्नमेंट ने हमारे पास से प्रस्ताव मंगाया था, जो प्रस्ताव में गवर्नमेंट ने सोच के उसमें कुछ सुधार के लिए मुझे बोला था, जैसे कि छोटे दुकान चले गए, भाजी वाला भाजी बेच सकता है, रिक्शा वाला रिक्शा चला सकता है, बांधकाम का मुझे बांधकाम कर सकता है, दुकान ओरिजिनल टाइमिंग से खुलेगी, सुबह सुबह खुलेगी, शाम में 8 बजे तक चलेगी, क्योंकि 8 बजे के बाद में अपना कर्फ्यू का ऑर्डर। सुबह जब खुलती थी समझो, किसी का 8 बजे खुलती, किसी की 9 बजे खुलती, उसका ओरिजिनल टाइमिंग उसके साथ खुलेगी और 8 बजे को मिलेगी। इसलिए छोटे छोटे लोगों के जो विषय आपने रखे थे कि इसका क्या होगा, रिक्शा वाले का क्या होगा, शादी हो सकती क्या, नहीं शादी नहीं हो सकती 50 लोग, ये बोला था। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट में और सोच के उन्होंने ये बोला कि ये प्रपोजल पे गवर्नमेंट फिर से गौर करेगी, इसको और वेरीफाई करेगी, उसके बाद में रिवाइज इंस्ट्रक्शन हमको देगी, सुधारित सूचना देगी। तब तक आज रात को जो लॉकडाउन लग रहा था वो नहीं लगेगा, आज रात से जो लॉकडाउन लगेगा वो नहीं लगेगा। सर मेरा सवाल ये है कि खासदार ने जो इशारा दिया था कल मोर्चे का, इसमें दबाव में तो नहीं आ गया सर प्रशासन? मैंने जो बोल रहे थे मैंने आपको बोल दिया, कल से जो लॉकडाउन लगेगा वो नहीं लगेगा, जैसी रिवाइज सूचना मुझे मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।